प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एट पेज नंबर 61, एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर ही आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एक्टिविटी, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज होता है कॉपर सल्फेट, वो पॉइजनस होता है। डिसॉल्व अबाउट ए टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना कॉपर सल्फेट लेना है? एक टीस्पून, एक चाय का चम्मच, इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर, करीब आधा कप पानी में, इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर। ग्लास टम्बलर में या बीकर में ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं? नीला थोथा और ब्लू विट्रियल। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब क्या करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन। सेव ए स्मॉल सैम्पल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। तो इसमें से थोड़ा सा सैंपल एक तरफ टेस्ट ट्यूब में या छोटी ग्लास बॉटल में सेव करके रख लें। ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। बाकी जो बचा सॉल्यूशन है उसमें क्या डालें? एक नेल, आयरन नेल, या यूज किया हुआ यूज्ड शेविंग ब्लेड, आयरन की कोई छोटी चीज़। वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर और सो। वेट करें आधा घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर अब ऑब्जर्व करें। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली, और उस सैम्पल सॉल्यूशन के कलर से कंपेयर करें जो कि अलग से आपने सेव किया हुआ है। दरअसल अब जब आप आयरन नेल डालेंगे या यूज्ड सेविंग ब्लेड डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। ये दिखाया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने पानी और कॉपर सल्फेट को मिला करके बनाया, और जब इसमें ब्लेड डालते हैं या आयरन की कोई चीज़ डालते हैं, कुछ देर वेट करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन हो जाएगा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। नेल को या ब्लेड को बाहर निकालें। हैज़ इट चेंज इन एनी वे? क्या ये किसी तरह से चेंज हुआ है? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो भी चेंजेस आए हैं, सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हुआ, दूसरा ब्लेड के ऊपर या आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर के फिल्म डिपॉजिट हुए। ये चेंजेस क्यों आए, किस वजह से? Because of reaction between copper sulfate and iron, the change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. जो ग्रीन कलर आया है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन से आया है? आयरन सल्फेट बनने से। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ए न्यू सब्सटेंस, तो एक नया सब्सटेंस बना। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। जो आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हुआ है वो क्या है? कॉपर, एन अदर न्यू सब्सटेंस, एक और नया सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, हम रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है प्लस आयरन, आयरन नेल या ब्लेड। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट ए टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब क्या लेना है? विनेगर लेना है, लगभग एक छोटा चम्मच टेस्ट ट्यूब में। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। इसमें क्या डालना है? एक पिंच, बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड। आपको कैसी आवाज़ आएगी? सीसी की आवाज़ आएगी एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, और आपको दिखेंगे गैस के बबल्स बाहर निकलते हुए। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इस गैस को फ्रेश बने हुए लाइम वाटर में से पास करें। कैसे? आइए देखें फिगर 6.5 में।
What happens to the lime water? लाइम वाटर को क्या होता है? हाँ, ये सारा कुछ देखते हैं। ये देखें, इस टेस्ट ट्यूब में विनेगर लिया है पहले थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब, और फिर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला है इसमें, और उसकी वजह से गैस बनी है। ये गैस इस ट्यूब में से होते हुए इधर आ जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में पास होती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो हम पढ़ रहे थे, यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। चैप्टर 10 में आप पढ़ेंगे कि जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही टेस्ट करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर में से। इन एक्टिविटीज 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। 6.6 से लेकर के 6.8 तक एक्टिविटीज़ में आपने देखा कि हर केस में नया सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस। 6.6 में क्या बना था नया सब्सटेंस? ऐश, राख बनी थी, जब हमने मैग्नीशियम वॉज बर्न, जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। 6.7 में क्या हुआ? कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन हुई और क्या बना? आयरन सल्फेट और कॉपर बना, दो नए सब्सटेंसेस। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दोनों ही नए सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर कहाँ डिपॉजिट हुआ? आयरन के ब्लेड पर। इन एक्टिविटी 6.8 में विनेगर एंड बेकिंग सोडा प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर और बेकिंग सोडा ने मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, जिसने कि लाइम वाटर को क्या बना दिया? मिल्की बना दिया, दूधिया बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? क्या इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बना है उसका नाम आप बता सकते हैं? नया सब्सटेंस बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को और क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइव्स। हमारे लाइव्स में केमिकल चेंजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। सारे नए सब्सटेंसेस केमिकल चेंजेस के कारण ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, एग्जांपल के लिए अगर मेटल को निकाला जाना है, एक्सट्रैक्ट किया जाना है इसकी ओर से, सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि आयरन को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है आयरन ओर से, वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल चेंजेस से गुजारना पड़ता है आयरन ओर को। ए
मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मेडिसिन कैसे बनती है? बहुत बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद. यूजफुल न्यू मटेरियल्स, नए मटेरियल्स जो यूजफुल होते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. ये भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? केमिकल रिएक्शंस से. इनडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड. दरअसल हर न्यू नया मटेरियल कैसे डिस्कवर होता है? बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस को स्टडी करने से डिस्कवर होता है. वी हैव सीन, हमने देखा दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज. हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल चेंज में. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या होता है? द फॉलोइंग में अकंपनी ए केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में ये चीज़ें भी हो सकती हैं जो नीचे बताई हैं, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब्ड. या तो हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, या फिर कोई दूसरी रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल सकती है केमिकल रिएक्शन में, या फिर ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं. हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, या कोई रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सकती है केमिकल रिएक्शन में. साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि अभी विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन में हिसिंग साउंड आपने देखी. ए चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस. स्मेल में भी चेंज आ सकता है और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ या कि नई स्मेल निकल सकती है. एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर में भी चेंज आ सकता है. एक गैस में भी फॉर्म्ड या फिर गैस बन सकती है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन में बनी थी. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. आइए देखें कुछ एग्जांपल्स पर. यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज. आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज. जब कोल बर्न होता है, वुड बर्न होती है, लीव्स बर्न होते हैं, तो ये भी कैसे चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस. इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज. दरअसल किसी भी चीज़ की बर्निंग क्या होती है? केमिकल चेंज है. बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. जब भी बर्निंग होती है किसी भी चीज़ की तो उसके साथ हीट निकलती है. एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज ए केमिकल चेंज. जब आप पटाखे बजाते हैं वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फियर. आप जानते हैं कि जब आप पटाखे बजाते हैं तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है और अनप्लेजेंट गैसेस, ऐसी गैसेस जो हमें पसंद नहीं हैं, और ये गैसेस क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं. दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स. इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप पटाखे नहीं बजाया करें. थैंक यू.